Hello friends, so in the previous video, the video was haul about 40 minutes long, including all the MCQs of the old syllabus and a few things to mine. But during video, I was interrupted by call and the later video was without audio. Hence, I split that audio. But here, I will continue the part where we have been skipped. So here, let's continue what we have left in the previous part. We were discussing the MCQs, the number of electric field lines, and here, 22. A charge Q is placed at the center of Q. The electric flux emerging from any one surface of the cube is, so it is to postpone for 2 or 3 minutes. मैं 2-3 मिनट के बाद, अभी जो क्यूब की बात है, क्यूब के सेंटर में आप अगर चार्ज रख दे तो जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो बात अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इट इज़ गुड टू स्किप. पर अभी मैं आपको बता दूं कि चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो कोई सरफेस से कितना होगा, कॉर्नर से कितना होगा, ओके, उसका कोई एज होता है जो क्यूब का, वहाँ से कितना होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा. सेकंडली, एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस. अभी ये जो हमें सरफेस दी गई है उसमें फ्लक्स कितना है ये डिफाइन करना है. तो अभी क्या है कि ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो जीरो है, बिकॉज यहाँ पर सम पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू वो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमारा जीरो है. टोटल चार्ज जीरो है तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरह से फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा. चलो, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो एमसीक्यू हमें एक आइडिया देगा. एज शोन इन फिगर, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इट the open end of the cylinder with one end open, the total flux emerging from the surface of the cylinder is. चलो ये बात जो है मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पर हमें क्या बताया गया है. मैंने यहाँ पर एक लास्ट वीडियो में पॉज किया था कि कैसे हम ये जो बातें हैं वो कैसे सीखेंगे. चलो, हमें यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है इस तरह से, और जो सिलेंडर है उसके जो दो एंड होते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, द एंड हियर, दिस इज द सर्कुलर एंड, ओके, एंड हियर अनदर एंड. ऐसे एक सिलेंडर है, यहाँ पर जो एंड होता है ओपन एंड, ओपन हो या क्लोज हो दैट डजंट मैटर फॉर नाउ, ओके, वो हमारे लिए खास मायने नहीं रखता. पर यहाँ पर समझो कि हमें कोई चार्ज यहाँ पर हमने रखा है, वो जो हमारा एंड होता है ना वहाँ पर, एग्जैक्टली इस तरह से रखा है कि ये जो पोर्शन है उसमें से आधा चार्ज मीन्स हाफ चार्ज जो है वो हमारा अंदर रहे और हाफ चार्ज जो है वो बाहर रहे, कुछ इस तरह से हमने चार्ज को रखा है. ये जो हमने चार्ज रखा है वो चार्ज हमारा है क्यू, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा हमारे सिलेंडर के साथ, ये जो क्लोज सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा. तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने जो चार्ज रखा है उसका हाफ पोर्शन जो होता है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आता है, और हाफ पोर्शन जो होता है वो एग्जैक्टली बाहर होता है. तो इसके अंदर इंक्लूडेड पोर्शन कितना है, क्यू बाई टू, और बाहर का जो पोर्शन है वो कितना है, क्यू बाई टू. तो हमारा टोटल जो फ्लक्स है वो सिंपल कितना हो गया, जो फ्लक्स है उसमें चार्ज कितना हमारे अंदर एंक्लोज हुआ है, तो एंक्लोज चार्ज q बाई टू है. हैंस q बाई टू हमारा टोटल चार्ज एंक्लोज है, और डिवीजन में क्या होता है, एप्साइलन नॉट. तो ये हमारा आंसर बन गया, ओके. तो यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा 25 में c. अब इसके साथ एक दूसरी बात भी हमें नोट करनी है, ए एम सी के द्वारा यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए. अब जो गाउस लॉ में JEE मेंस के लिए जो होता है एग्जांपल्स में, उसमें क्या क्या और भी हो सकता है, मतलब चलो मैं बात ले लूँ अभी ये सिलेंडर की.
सिलेंडर जो हमारा था उसके अंदर समझो कि कुछ इस तरह से हमारा सिलेंडर है, ये सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस है, इसको हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस, जो हम गाउस लॉ में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। चलो यहाँ पर अंदर कोई चार्ज क्यू रखा है, ओके, तो पूरा जो सिलेंडर है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो उसका एसोसिएटेड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ओके। चलो ये तो पूरा जो सिलेंडर है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आपको दिया गया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि समझो यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि भाई ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये वाली सरफेस, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, ओके, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, और ये सर्कुलर जो सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये जो बातें हैं वो समझने के लिए हम आगे जा रहे हैं JEE मेंस में, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसकी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। पहले स्टार्ट करेंगे क्यूब से, सॉरी पहले हम स्टार्ट करेंगे एक आइडिया से, हेमिस्फीयर से, ओके। चलो तो फर्स्ट थिंग, चलो आपको दिया गया है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक स्फीयर रखा गया है, तो उसका फ्लक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरह से, इसका फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर हमारा होगा जीरो। उसका लॉजिक क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज, पूरी फिगर में कोई चार्ज नहीं है, समझो कि चार्ज कोई आउटसाइड क्यू दिया भी गया हो तो भी हमारे जो हमारा जो स्फीयर है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं। सेकंडली, इसके अंदर जितनी भी फील्ड लाइंस एंटर होती है उतनी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलती है, तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो हो जाएगा जीरो। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इसकी जगह आपको अगर हेमिस्फीयर दिया जाए, मतलब हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, तो समझो कि उसका एक जो मतलब सीन है कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमें एक हेमिस्फीयर दिया गया है, दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, ओके, एंड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन दिस डिरेक्शन, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, गोइंग इन अपवर्ड डिरेक्शन फॉर नाउ एग्जाम्पल। और जो ये हमारा स्फीयर है उसका रेडियस सपोजली आर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि भाई ये हेमिस्फीयर है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, ओके, तो अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया उस तरह से कोई चार्ज तो है नहीं, तो जो गाउस लॉ है वो यहाँ पर एप्लीकेबल बनेगा नहीं, गाउस लॉ जो कोई इक्वेशन है ना हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन, वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? तो पहली बात तो ये है कि ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये एक जैसे हमारा घर में बाउल होता है ना, बाउल, इसे एक बाउल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स फाइंड करना हो तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ई इज इक्वल टू ई ए वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ई ए कॉस थीटा वाला जो हमारा इक्वेशन था ना वो यूज़ करेंगे, कॉस थीटा यहाँ पर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैं आपको समझाता हूँ। चलो तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है ई, तो वो ई है, और एरिया हमें क्या लेना है, तो ये जो फिगर है उसमें माइंड डू माइंड यहाँ पर जो फिगर हमें दी जाए उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर एरिया हो, जो एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब कि ये जो सर्कुलर एरिया है दैट इज द परपेंडिकुलर एरिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ आई री राइट और री ड्रॉ फिगर हियर विथ सर्क्यूलर एरिया ओनली देन इट विल बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, दिस इज द सर्क्यूलर एरिया विथ रेडियस आर, ओके। सो इन सच केस वैन द परपेंडिकुलर एरिया इज गिवन देन द एरिया इज पाई आर स्क्वेयर एंड दिस इज अवर आंसर, ओके। सो वॉट इज द ट्रिक और वॉट इज द आइडिया, तो आइडिया ये है कि हमें कोई भी फिगर दी जाए उसमें परपेंडिकुलर जो एरिया होता है वही हमें कंसीडर करना है। सेकंडली, अगर मैं आपको बताऊँ ऐसी कोई फिगर ड्रॉ करके को आपको JEE मेंस में दी गई थी, तो वो कुछ फिगर इस तरह से थी, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओके,
इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और उसमें एक हेमिस्फीयर इसे हमें दिया जाता है, ओके। और उसका जो सर्कुलर एरिया है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये बन गई हमारी फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से ई है कोई पॉइंट के पास। चलो तो यहाँ पर हमें फ्लक्स फाइंड करना है। मैंने बताया इस तरह से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे ई ए, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई गाउस लॉ हियर। तो यहाँ पर समझो कि हमारा जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमारी वैल्यू ई जितनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे ई। अब एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे, तो मैंने अभी आपको आइडिया यहाँ पर बताया कि एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो वही लेना है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर एरिया था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर एरिया था। सिमिलर टू दैट यहाँ पर जो एरिया है वो जो स्फेरिकल एरिया है ना वो परपेंडिकुलर, ये एरिया है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकल एरिया जो हमारा है वहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो एरिया है वो हम लेंगे इतना एरिया, ये जो एरिया है ना वो हम लेंगे ये एरिया। तो वो एरिया कितना होगा, तो पूरा स्फीयर जो होता है उसका एरिया रहता है 4πr², ओके। तो उसका हाफ अगर एरिया हमें लेना हो, हाफ एरिया लेना हो तो होगा 2πr², हैंस एरिया हमें यहाँ पर लेना है 2πr², ओके। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो थी वेरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई कि जो गाउस लॉ का यूज़ नहीं कर सकते पर हम फिर भी वहाँ पर फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, क्यूब का जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया था कि क्यूब का जो एग्जांपल हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बातें आप नोटबुक में लिखने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू द क्यूब इज गिवन हियर। चलो वी आर गिवन हियर द क्यूब, सो दिस इज द क्यूब वी आर गोइंग टू कंसिडर। ये हमारा क्यूब है और ये जो क्यूब है उसके अंदर, यहाँ पर उसके अंदर हमें एक चार्ज दिया गया है। समझो कि सेंटर पर और कहीं भी, मतलब क्यूब के अंदर एक क्यू जितना हमें चार्ज दिया गया है, तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। मैंने एक वेबसाइट देखी थी मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को बताने के लिए, आई वुड लाइक टू शो दैट वेबसाइट टू यू। अगर यहाँ पर हम जो चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके कारण यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर गाउस लॉ अगर हम अप्लाई करें तो क्यूब के अंदर हमारा चार्ज है, हैंस हमारा फ्लक्स होगा फाइ इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये जो है हमारा टोटल, यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल। चलो टोटल जो फ्लक्स है हमारा क्यूब के साथ एसोसिएटेड ये इतना है। मैं आपको बता दूँ फिगर कैसी लगेगी, गिव मी फ्यू मिनट्स आई विल शो यू। सो फ्रेंड्स ऐसे हमारा फ्लक्स होता है, जो हमने वो चार्ज रखा है ना यहाँ पर सेंटर पर, तो ये जो सेंटर पर चार्ज रखा है वहाँ से हमारी फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा ब्राइट करता हूँ, ये हमारी फील्ड लाइन्स है, ओके यू सी दैट, ये हमारी फील्ड लाइन्स है। तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो हम यहाँ पर -1 nC के लिए ये वैल्यूज दी गई है, तो ये जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हर जो हमारी जो फेस होती है वहाँ से बाहर निकलेगा, बराबर पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड। अब यहाँ पर हमारा MCQ कुछ इस तरह से कि ये जो सरफेस होती है ना यहाँ पर, ये जो सरफेस उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, मतलब फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद द फेस, ओके। तो फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमारा कितना है ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। चलो तो यहाँ पर हमारी सरफेस और से फेस कितनी है, तो वन फेस यहाँ की, टू फेस, इस तरह से आप गिनने जाए तो वन सामने वाली, टू ये वाली हो गई, थ्री सामने वाली, टू ये वाली हो गई, थ्री सामने वाली, फोर इस तरफ की, फाइव सिक्स, फाइव और सामने वाली सिक्स। तो यहाँ पर हमारी जो फेस है टोटल क्यूब की वो सिक्स फेस होती है, यहाँ पर देखते हैं आप,
ये जो फेस है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सरफेस। तो कोई एक फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है वो अगर आपको दिया जाए तो वो सिक्स्थ पार्ट का होगा। टोटल कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो एक फेस के साथ सिक्स्थ पार्ट का होगा, मतलब क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, मतलब कौन सा पार्ट हुआ वो सिक्स पार्ट का हुआ, टोटल जो फ्लक्स होता है उसका सिक्स पार्ट। सिमिलर टू दैट, अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है एसोसिएटेड विद कॉर्नर, विद द कॉर्नर, चलो कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर कितने हैं, ये वाले कॉर्नर, तो ऐसे कॉर्नर वन टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर, यहाँ पर फाइव, यहाँ पर सिक्स, सेवन और एट। तो हमारे टोटल एट कॉर्नर है, कोई एक कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है वो अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल जो फ्लक्स है उसका एट पार्ट हो जाएगा। सो एट पार्ट, सो क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, मतलब कितना पार्ट हो जाएगा, एट पार्ट हो जाएगा। ओके चलो, सिमिलर टू दैट इफ वी आर आस्क टू फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एज, चलो एज के साथ एसोसिएट, तो हमारी एजिस कितनी है यहाँ पर, एजिस मतलब ये वाली एजिस, ओके उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो हमारी एजिस कितनी बनेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल ट्वेल्व एजिस होती है हमारी। ओके तो ये जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, एट क्यू बाय ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट। ओके तो वो कितना पार्ट हो गया, तो 12th पार्ट हो गया। तो ये बात फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था यहाँ पर। ओके तो ये जो है आपको नोटबुक में लिखना है। चलो आपको दी जाए फेस, तो फेस कितनी है, 6, तो 6 पार्ट आएगा, कॉर्नर, कॉर्नर में 8 पार्ट आएगा, तो उस तरह से एज, तो 12th पार्ट आएगा। हमारे एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, समझिएगा कि भाई हमें यहाँ पर एक फेस दी जाएगी, एक्सरसाइज में ये हमें दिया जाएगा। ओके यू विल सी दैट, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू। ओके उसका यहाँ से डिस्टेंस है हमारा ए बाई टू, ए बाई टू जितना डिस्टेंस है, और हमारी जो यहाँ पर हमने जो सरफेस रखी है उसका उसकी लेंथ है ए। ओके ए लेंथ है, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, चलो एक फेस हमें यहाँ पर दी गई है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या सोचना होगा कि हमें यहाँ पर जो ए साइज दी गई है वो साइज का एक हम क्यूब यहाँ से सोच लेंगे, चलो कि ये हमारा एक क्यूब है। ओके ए साइज का क्यूब है, आई एम वेरी फास्ट इन ड्रॉइंग दैट, सो प्लीज अपोलोजाइज, चलो एक्सक्यूज मी फॉर द फास्ट ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हमें, हमने क्या किया कि एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, तो एक क्यूब के साथ टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा, तो आप बोलेंगे भाई टोटल फ्लक्स पूरा क्यूब के साथ कितना है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन, राइट, बिकॉज अवर चार्ज इज एनक्लोज इन द क्यूब। पर ये पूरा मैं उठा लूँ यहाँ से, और सिर्फ ये सब यहाँ से उठा लूँ मैं, और सिर्फ फेस ही रख दूँ, तो कितनी फेस निकल गई और कितना बची, तो अभी यहाँ पर हमने देखा था कि भाई एक कोई फेस हो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो अब जो फाइव फेसेस थी वो निकल गई, अब एक ही बची, तो कितना हो गया आंसर, 6 एप्सिलॉन। तो अगर हमें जो आगे का आइडिया पता हो तो ये तो एकदम ईजी रहेगा समझने के लिए। ओके दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल। चलो तो ये जो फ्लक्स होता है उसकी हमने यहाँ पर बात की। सेकेंडली यहाँ पर क्यूब का जो एग्जाम्पल है मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इस बार हमारा जो चार्ज है उसको सेंटर में नहीं रखेंगे पर किसी और जगह रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये बात जो है वो समझने के लिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। चलो कि यहाँ पर हमें अगेन एक क्यूब दिया गया है। I will draw the cube here. So this is the cube.
कि आई शुड टेक अनदर कलर फॉर द इमेजिनेशन पर्पज, बिकॉज एवरी थिंग इज इमेजिनेशन. हाउ यू इमेजाइन द क्यूब क्यूबोइड एंड ओके, ये हमारा हो गया क्यूब. ओके चलो, ये हो गया हमारा क्यूब. और हमें ये जो क्यूब यहाँ पर दिया गया है उसके अंदर चार्ज हमें नहीं रखना, पर उसकी जगह हम सेवरल प्लेसेस जो है वहाँ पर हम चार्ज रखें. सिंपल सोचो कि अगर पहली बात मैं यहाँ पर फेस पर मैं यहाँ पर चार्ज रख दूँ, ओके यहाँ पर मैं क्यू चार्ज रख दूँ, तो ये जो क्यूब है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब, द होल क्यूब. तो मैं यहाँ पर फेस पर जो चार्ज रख दूँ तो उसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो हमारा जो चार्ज है उसका हाफ पोर्शन, मतलब यहाँ से लूँ तो उसका हाफ पोर्शन जो है वो अंदर जाएगा क्यूब के अंदर. ओके यहाँ पर जो हाफ पोर्शन है वो हमारे क्यूब के अंदर जाएगा. मैंने वो सिलेंडर वाली अभी बात बताई थी ना आपको, उस तरह से तो हाफ पोर्शन अंदर जाएगा, राइट. तो जो क्यूब बाई टू पोर्शन है वो अंदर मतलब एनक्लोज होता है, अंदर कितना आता है हमारे क्यूब में, क्यूब बाई टू. तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना बनेगा, क्यू फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट. ओके तो यहाँ पर हमने ये जो चार्ज है कहाँ रखा था, फेस पर. कहाँ रखा था हमने, फेस पर. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फेस पर अगर आप रखेंगे तो ऐसा होगा, राइट. चलो ये आप नोटबुक में लिख देंगे बराबर, क्योंकि मैं हर बार ये नई फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा. चलो उसी तरह अगर हम सोचे यहाँ पर अगर कॉर्नर पर हम चार्ज रख दें, कॉर्नर पर चार्ज रख दें तो क्या होगा. तो यहाँ पर अगर हम कॉर्नर पर चार्ज रख दें तो चार्ज का जो क्यू हमारा चार्ज है उसमें से कितना पोर्शन हमारे क्यूब में आएगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन हमारे अंदर एनक्लोज होता है वो वाला पोर्शन कितना होगा. ये बात सोचने के लिए मैं आपको एक फिगर बताता हूँ. सो वेट फॉर दैट. सॉरी फ्रेंड, उसकी कोई एग्जैक्ट इमेज नहीं मिली तो मैं यहाँ पर ज़रा ट्राई करता हूँ आपको समझाने का कि ये कैसे रहेगा. कि अगर हम यहाँ पर कोई जो एज है, एज यहाँ पर जो एज है वहाँ पर हम चार्ज रख दे तो जो है वो हमारा फ्लक्स कितना होगा. तो उसको समझने के लिए चलो यहाँ पर मैं फिगर को एक्सटेंड कर देता हूँ. ये जो क्यूब है ना उसमें ऐसा कुछ होगा कि एक दूसरा क्यूब यहाँ पर आप इमेजाइन कर दें. सपोर्टली यहाँ पर एक दूसरा वाला क्यूब एक इमेजाइन कर दें आप. ओके चलो आपने यहाँ पर क्यूब इमेजाइन किया. ओके और ऐसे जो यहाँ पर कितने क्यूब हुए, दो. तो ऐसे दूसरे दो क्यूब है वो आपको ऊपर भी इमेजाइन करने पड़ेंगे. कुछ इस तरह से आपको क्यूब जो है वो इमेजाइन करने पड़ेंगे और ये फिगर कुछ हो जाएंगी कुछ इस तरह. मैंने बताया उस तरह से, मैं वेरी फास्ट इन फिनिशिंग दी ड्रॉइंग हैंड्स जस्ट. चलो तो कितने क्यूब हो गए यहाँ पर पूरे, मतलब कितने क्यूब हमने इमेजाइन किए, तो फोर. तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो हमारा जो कंसीडर्ड क्यूब है उसके अंदर कितना पार्ट आता होगा, तो मतलब पूरा जो चार्ज था उसको कवर करने के लिए हमें फोर क्यूब इमेजाइन करने पड़े. ओके तो फोर क्यूब इमेजाइन करेंगे तो पूरा का पार्ट कवर होगा, मतलब एक क्यूब के पास फोर्थ पार्ट आएगा. दैट्स वाई द फ्लक्स, दैट्स वाई द फ्लक्स फाई ओके रिलेटेड टू द एज. ओके तो हमारे एज के साथ रिलेटेड फ्लक्स, दैट इज टोटल जो फ्लक्स है उसका कितना पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट. सो फोर बाय एप्सिलॉन नॉट. कैसे हुआ आपको पता चला, यहाँ पर हमें एक फोर क्यूब्स जो है वो इमेजाइन करने पड़ेंगे एंड ऐसे एक फिगर हमें इमेजाइन करनी पड़ेगी तो हमारा फ्लक्स बनेगा. ओके चलो यही बात को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ अभी. चलो ओके अब हम ये जो हमारा जो मतलब चार्ज है उसको यहाँ पर
कॉर्नर पर इमेज ज्वाइन कर दे, समझो कि उसे कॉर्नर पर रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चार्ज को रख दो तो कितना फ्लक्स होगा? तो फेस पर रखा हमने, एज पर रखा, आप कॉर्नर पर रखते हैं तो जो फिगर होगी, फॉर दैट यू हैव टू वेट, कितने क्यूब बनेंगे पता है आपको? ये जो पूरा है उसमें से कितना पार्ट हमारे क्यूब के अंदर एंक्लोज होगा, कितना पार्ट हमारे अंदर एंक्लोज होगा पता है आपको? ये सोचने के लिए वी हैव टू इमेजाइन अनदर क्यूब हियर लाइक दिस। ओके, दिस इज द क्यूब दैट वी विल कंसिडर। चलो एक क्यूब यहाँ पर हो गया, दूसरा क्यूब बाजू में ले लेंगे। ओके, ये वाला क्यूब, चलो ये हमारा क्यूब हो गया। चलो एक सामने क्यूब ले लेंगे, ये वाला क्यूब हो गया। कितना क्यूब हुआ यहाँ पर? फोर क्यूब हुए। तो फोर क्यूब जो है उसको लेकर नीचे का जो हाफ पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा। सो अनदर फोर क्यूब्स, अनदर फोर क्यूब्स शुड बी इमेजाइन हियर टू फुलफिल द फिगर। ओके, इट विल बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आई शुड हैव टू सेक्रीफाइस दैट। ओके, हियर इज, हियर इज। ओके ओके, सो कितने मतलब हमने यहाँ पर क्यूब कंसिडर किए बताए आपको? तो यहाँ पर वन ये वाला हो गया टू, वेट ये वाला हो गया टू। ओके, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर फोर और ऊपर अलग से फोर, तो टोटल एट क्यूब यहाँ पर हुए हमारे। तो उसको अगर हम कंसिडर करें तो हमारा जो फ्लक्स है रिलेटेड टू द कॉर्नर, इफ वी हैड प्लेस्ड कॉर्नर, तो हमारा जो फ्लक्स है वो बन जाएगा क्यू बाय, हमारे कितने क्यूबर्ड्स हो यहाँ पर? एट, हैंस एट एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आंसर। अब ये जो बातें हैं वो इमेजाइन करनी है आपको। तो आपको अभी जो मैंने यहाँ पर टोटल जो क्यूब की बात बताई ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर जो टोटल बात बताई, ओके, उसमें से आपको एग्जाम्पल पर सोचना है कि भाई याद कैसे रखेंगे। मैं किसी चीज़ को बर्डन नहीं देखता, उसे याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए समझो कि चलो एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एक क्यूब दिया गया है और मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपको पूछ लूँ कि भाई चलो यहाँ पर हमें जो क्यूब दिया गया है उसके अंदर चार्ज है, क्यूब अंदर चार्ज है, द एंक्लोज चार्ज इन द सरफेस, और आपको दिया जाए कि समझो कि भाई चलो ये जो एज है, ये वाली जो एज है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? ओके, वन एज के साथ। तो आपको सिंपल सोचना है कि भाई टोटल जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब यहाँ पर आप देखने जाए तो टोटल एजेस कितनी है? तो वन टू थ्री फोर, फोर ऊपर है, फोर नीचे, देन मैं पूरा अगर फिगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से रहेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल एजेस है हमारे 12, हैंस 12 पार्ट का आएगा। सो दैट इज़ द आइडिया। अगर आपको दिया जाए कि भाई ये कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, तो आपको कॉर्नर जो होगे वो डिवीजन में लिखने हैं। तो ये बात हमने एक पहले पार्ट में हमने पूरी की। ओके, हमारा समझो कि जो चार्ज है वो अंदर रखा गया हो। तो सेकंडली जो हमने बात की वो बात में हमने ये कंसिडर किया कि भाई हमारा जो क्यूबॉइड है, इस तरह से हमारा जो क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूब बॉइड है इस तरह से, उसके अंदर चार्ज नहीं पर अलग अलग जगह पर रखा जाए, कि समझो कि यहाँ पर फेस पर रखा जाए, फेस पर रखा जाए, तो उसका हाफ पार्ट है वो अंदर आएगा। तो जो हमारा फ्लक्स है, हमारा जो फ्लक्स है वो बनेगा हाफ चार्ज अंदर जाएगा तो टू अंदर जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पर हम कॉर्नर पर रख दें तो उसका फोर्थ पार्ट है वो अंदर जाएगा, तो मतलब फाइव इक्वल टू क्यू बाय
फॉर एप्सिलॉन नॉट, ओके। और सिमिलर टू दैट अगर हम यहाँ पर कॉर्नर पर रखते तो एट्थ पार्ट जो है वो हमारे रूम के सॉरी क्यूब में आएगा, हैंस फाइ इज इक्वल टू क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड, ओके। और यही बात अगर आप जहाँ पर ये वीडियो देखने बैठे हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखने बैठे हैं, वन मिनट, आप ये वीडियो देखने बैठे हैं तो आपके आसपास रूम होगा, आप ओपन स्पेस में तो बैठे होगे नहीं। आपका जो रूम है वो रूम में आप देख लीजिए यहाँ पर जो वॉल है उसके यहाँ पर मैं एक चार्ज को इमेजाइन कर दूँ, ओके। तो वो जो चार्ज है उसका कितना पार्ट हमारे रूम के अंदर आएगा। सिमिलर टू दैट अगर मैं कोई कॉर्नर पर इमेजाइन कर दूँ, जो एज होती है वहाँ पर इमेजाइन कर दूँ, तो वो कितना पार्ट इंक्लूड करेगा वो जरा आप सोच लीजिएगा। इसलिए मतलब हमारा जी डबल मेन यहाँ पर गाउस लॉ का जो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बिना कोई हिचकिच से मुझे पूछ लीजिएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन, दिस इज़ वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट यस वी आर गोइंग टू गिव यू द आइडिया व्हेनेवर यू आस्क। तो ये जो बातें हैं आपको एक दफ़ा देख लेनी है, समझ लेनी है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ओके। सो दैट इज़ फॉर नाउ।